कांवरिया पथ के आसपास जितने भी अस्थायी दुकानदार हैं या अस्थायी दुकानदार हैं, वे किसी भी नशीले पदार्थ का बिक्री ना करें। बांका पुलिस प्रशासन हमेशा किसी भी मुसीबत के लिए हमेशा तैयार है और यहाँ पे जिलाधिकारी और SP महोदय के निर्देश पे 24 आवर अलग अलग शिफ्ट में पुलिसकर्मी कार्यरत हैं। उप नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, यहाँ पर आपको सारी व्यवस्थाएं दी गई है, मेडिकल सुविधा भी दी गई है, जितने भी कंट्रोल रूम है वहाँ पर लगाए गए हैं। कुछ कांवरिया पथ के आसपास जो दुकान है वहाँ पे CCTV कैमरा लगाए गए और हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लाठी बल और पर्याप्त संख्या में जो आर्म्ड फोर्सेस हैं दोनों पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। नमस्कार, मैं हूँ कुणाल शिखर और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। हम इस वक्त बांका के जिलेबिया मोड़ में है और ये कच्ची कांवरिया पथ है। आप सीधे देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ के DSP हैं सुशील कुमार जी लगातार कच्ची कांवरिया पथ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरह से दुकानदार जो दुकान यहाँ पर लगाए हुए हैं वह वाजिब दाम ले रहे हैं या नहीं, और उसके साथ साथ जो कच्ची कांवरिया पथ है उस पर सुरक्षा को लेकर वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम सीधे जो DSP हैं उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, सर किस तरह की व्यवस्था है? व्यवस्था जिलाधिकारी महोदय और SP महोदय के निर्देश पे जो भी व्यवस्थाएं होटल में हैं कि आप स्वच्छ खाना रखें, ताज़ा खाना रखें, और जो एक सरकारी निर्धारित रेट लिस्ट है उसके अनुसार ही आपको पैसा लेना है, ठीक है। और कोई भी सामान है MRP से ज़्यादा नहीं बेचा जा रहा है और कोई भी सामान जो है एक्सपायर्ड नहीं है। अगर कोई भी ऐसा अगर परेशानी किसी कांवरिया को होता है तो सीधे कंट्रोल रूम में फ़ोन करते हैं और उस दुकानदार के विरुद्ध एक्शन हम लोग लेते हैं। दूसरी बात, हम लोग हमेशा ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कांवरिया पथ के आसपास जितने भी अस्थायी दुकानदार हैं या अस्थायी दुकानदार हैं वे किसी भी नशीले पदार्थ का बिक्री ना करें। हम लोग लगातार छापेमारी कर गुटखा पान पराग और बरामदी जब्त कर रहे हैं और उसको जला रहे हैं। सर यदि बात करें तो ये पूरे कांवरिया पथ जो लगभग 105 किलोमीटर की दूरी है उसमें सबसे ज़्यादा दूरी अब बांका जिले में आती है, तो किस तरह बांका प्रशासन पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो किस तरह तैयार है? बांका पुलिस प्रशासन हमेशा किसी भी मुसीबत के लिए हमेशा तैयार है और यहाँ पे जिलाधिकारी और SP महोदय के निर्देश पे 24 आवर अलग अलग शिफ्ट में पुलिसकर्मी कार्यरत हैं। बांका जिला के अंतर्गत 2 मुख्य कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, एक कटोरिया में है और दूसरा हमारा जिलेबिया उप नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। यहाँ पर आपको सारी व्यवस्थाएं दी गई है, मेडिकल सुविधा भी दी गई है और साथ में 24 आवर पुलिसकर्मी उपलब्ध रहते हैं, मजिस्ट्रेट रहते हैं, और अगर किसी भी कांवरिया को कोई प्रॉब्लम होती है तो तत्काल वो कंट्रोल रूम में फ़ोन करते हैं, चाहे उनका कोई सामान चोरी हो गया हो, मोबाइल चोरी हो गया हो या अन्य कोई असुविधा होती है तो हम लोग तत्काल एक्शन लेते हैं। सर क्या CCTV से भी निगरानी की जा रही है? जी, जगह जगह पर CCTV कैमरा लगाए गए हैं, जैसे कि जितने भी कंट्रोल रूम हैं वहाँ पर लगाए गए हैं। कुछ कांवरिया पथ के आसपास जो दुकान है वहाँ पर CCTV कैमरा लगाए गए और हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। IB ने अलर्ट जारी किया था बीच में कि असामाजिक तत्व से कांवरिया जो कांवड़ यात्रा है वो प्रभावित हो सकता है, तो बांका पुलिस प्रशासन किस तरह से अलर्ट मोड में? जी, अलर्ट मिला था और उसके देखते हुए उसके मद्देनज़र जिलाधिकारी और SP महोदय के निर्देश पे पर्याप्त संख्या में लाठी बल और पर्याप्त संख्या में जो आर्म्ड फोर्सेस हैं दोनों पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और हम आसपास सूचना संग्रह भी हमेशा करते रहते हैं कि कोई भी अगर वैसा कुछ समस्या आता है या कुछ वैसी सूचना मिलता है तो हम लोग तत्काल रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इस तरह से हमारे साथ थे बांका SDPO सुशील कुमार, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बांका पुलिस किसी भी अनहोनी की आशंका से निपटने के लिए तैयार है और पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज बांका।